हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट समावेशी शिक्षा हो जाता है, इसके कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जो आपका राजन सीरीज चल रहा है। और इससे पहले की वीडियोस को पाने के लिए आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना रहेगा, क्योंकि प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहाँ पे सीरियल वाइज हर एक चीज है। आप लोग वहाँ पे क्लासेस को देख सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को बताया गया है। क्योंकि क्या होता है, भाषा की बात यहाँ पे आई, देखिए जब सरल भाषा में कोई चीज बताई जाती है तो चीजें आसानी में समझ में आती है। वैसे तो बुक आपके पास यही है, आप खुद से पढ़ सकते हो, लेकिन आपको क्या चाहिए कि सरल भाषा में तो हर एक चीज बताई गई है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। तो चलते हैं, आज का सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं कि क्या है। उसके चलने से पहले देखिए, सबसे पहला टॉपिक आज टीएलएम है, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ क्या रहे हैं तो इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं। ये शिक्षा का मतलब क्या होता है कि सभी को समान शिक्षा देना बिना भेदभाव किए हुए, ठीक है। हर एक क्लास में हमने इस पे डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लोग पिछली वीडियोस भी जरूर देखिए, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कहते नहीं है कि पास होने के लिए तो आप थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग खुद इतने इंटेलिजेंट है, इतने माइंडेड है। लेकिन क्या होता है, जब हम चीजों को बारीकी से पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज भी होती है। कहते नहीं है कि सिर्फ नंबर पाने के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें क्या काबिल बनने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। और जब हम काबिल बनते हैं तो नंबर तो हमें खुद ब खुद मिलते हैं, प्लस हमको सक्सेस तो खुद ब खुद मिलती है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमको सक्सेस होना है, नंबर अच्छे पाने, इसलिए जब काबिलियत होगी तो हर एक चीज आपके पास होगी, आपके साथ होगी, आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलते हैं टीएलएम के बारे में समझते हैं कि टीएलएम किसको कहते हैं। तो टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी जो भी, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम कुछ चीजों का यूज कर रहे हैं, जैसे हम ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये भाई टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ना। हम देखिए इस पेन का यूज कर रहे हैं तो ये क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आ जाता है। जब हमको इसको इरेज करना होगा, इसको मिटाना होगा, तो हम डस्टर का यूज करेंगे, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये भी टीएलएम के अंतर्गत आएंगे। तो हर वो चीज जो हमें, जब हम शिक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा देते हैं, उसमें हमें यूज, हम उसमें यूज करते हैं चीजों का, तो जिन चीजों का यूज करते हैं वो टीएलएम कहलाते हैं, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जी हाँ बिल्कुल, जैसे हमने आपको सूत्र बताया, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है टीएलएम है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसी तरह जो बच्चे होते हैं, जैसे प्रतिभाशाली बच्चे, सामान्य बच्चे, तो उनका आईक्यू लेवल कितना होता है, ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। हालांकि अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, इससे रिलेटेड भी वीडियोस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि मतलब वो पूछे ही पूछे जाते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कहते नहीं है कि पास होने के लिए भी पढ़िए और नॉलेज को, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी पढ़िए, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए टीएलएम पे हमने डिस्कस किया, उसके बाद है श्रवण विकृति। तो श्रवण विकृति क्या होता है, श्रवण मतलब सुनना, है ना। तो जो चीज क्या है, जब बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे सुन नहीं पाते, उनमें सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो जब प्रॉब्लम होती है वही तो विकृति होती है ना। तो उन बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से समझाया जाता है, तो सबसे पहले तो जब हम उसका, उस बच्चे का क्या करेंगे, उस बच्चे के बारे में जानेंगे कि हाँ इसको सुनने में प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोचिज है, तो 1 2 3 4 मतलब क्या है, इशारों में बताएंगे चीजों को, सिंबल देके बढ़ाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसका निदान भी करेंगे, उसका उपचार भी करेंगे। निदान यानी उसके बारे में हमने जाना, और उसके बाद जैसे भाई सुनाई कम पड़ता है तो उसके
लिए मशीन आती है, लगा के पढ़ा जाता है, उसके मम्मी पापा को बताना होता है कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो इलाज कराएं, है ना। तो ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो जो आपकी श्रवण विकृति होती है यानी सुनने में प्रॉब्लम होती है उसको श्रवण विकृति कहते हैं। और दृष्टिबाधित बच्चे जिनको दिखाई कम देता है या बिल्कुल नहीं दिखाई देता उनको क्या कहते हैं, तो दृष्टिबाधित बच्चे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डाइट की अगर हम बात कर लेते हैं तो डाइट का फुल फॉर्म हो जाता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो शिक्षकों है तो इसमें क्या होता है, शिक्षकों है तो सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण आयोजित करना इसका कार्य होता है। और भी बहुत सारे कार्य होते हैं जैसे पिछड़े बालकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर परामर्श और फर्स्ट जनरेशन लर्नर के लिए उपचारात्मक शिक्षण और व्यवस्था और मार्गदर्शन प्रदान करना भी इसका कार्य होता है। इस पे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद निदान। निदान क्या होता है, उपचार क्या होता है, निदानात्मक और उपचारात्मक के बारे में हमें बताए। तो निदान यानी अभी हमने डिस्कस किया कि निदान का मतलब होता है जब हम जो प्रॉब्लम होती है उसको जान लेते हैं। प्रॉब्लम को जानना है ना, वो हो गया निदान। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, ठीक, तो डॉक्टर ने आपको ऐसे ही मेडिसिन दे दी, नहीं, आपको ऐसे इंजेक्शन लगा दिया, नहीं, पहले क्या करते हैं, जांच करते हैं, देखते हैं कि आप में क्या प्रॉब्लम है, किन किन चीजों की कमी है, ये सभी चीजें जानते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं, अगर इंजेक्शन की जरूरत होती है तो इंजेक्शन देते हैं और भी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन कब, निदान करने के बाद, डायग्नोस करने के बाद, है ना। और तो आपको समझ में आ गया होगा कि निदान का मतलब क्या होता है कि चीजों के बारे में जानना कि हम बच्चे में प्रॉब्लम कहाँ पे है, हमने उसको जाना तभी तो हम उसका इलाज करेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चा छोटा है, वो रो रहा है, तो हम क्या सोचेंगे, बहुत छोटा, मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा है और वो रो रहा है, तो उसकी मम्मी को पता होता है कि इसको काफी टाइम से पानी नहीं दिया गया है, तो उन्होंने क्या किया, उसका निदान किया, उसके बारे में जाना कि पानी नहीं दिया गया था काफी टाइम से, इसीलिए बच्चा रो रहा है, यानी इसको प्यास लगी है ना। उसको मिल्क नहीं दिया गया, यानी काफी देर से रो रहा है, तो उसकी माँ सोचती है इसको मिल्क नहीं दिया गया है इसलिए ये रो रहा है, तो उनको पता होता है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा बच्चा है और वो रो रहा है, तो आप उससे पहले पूछोगे आप क्यों रो रहे हो, है ना, आप में क्या दिक्कत है, तो वो आपको बताएगा, फिर आप उसको क्या करेंगे, फिर आप उसका उपचार करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल भाषा में आपको बताया है, कोशिश यही रहती है कि आपको चीजें समझ में आए। फिर उसके बाद हो जाता है बुद्धि लब्धि, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जितनी बार हम कहें उतना ही कम है। तो जो बुद्धि लब्धि होती है तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र हो जाता है मानसिक आयु। देखिए हम इस पे रोज डिस्कस कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, ठीक है ना। मानसिक आयु, यहाँ पे आप पहले बुद्धि लब्धि लिख लेंगे, ठीक है ना, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि और बराबर आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु और गुणे में कितना रहेगा, गुणे में आपका 100 रहेगा। अब इस सूत्र को किसने दिया, तो सबसे पहले जो सूत्र आया था तो उसमें कितना था आपका, ये गुणे 100 नहीं था, ठीक है। तो जब गुणे 100 नहीं था तो उस सूत्र को किसने दिया, और जो गुणे 100 आ गया उस सूत्र को किसने दिया, तो आप लोग कमेंट करें, क्योंकि हमें भी तो पता चले कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है, आप क्लास डीपली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और इन सब चीजों पे हम डिस्कस कर चुके हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये आपका बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 आपका सूत्र हो जाता है। अच्छा आप ये बताएं, बुद्धि क्या एक ही तरह की होती है, एकल बुद्धि जिसको कहते हैं, एकल बुद्धि क्या एक ही बुद्धि होती है, एक ही तरह की सबकी बुद्धि होती है। भाई आपके फ्रेंड सर्किल, आपके फ्रेंड सर्किल में होगा कि मान लीजिए 5 फ्रेंड आप हो, तो क्या एक जैसी बुद्धि सबकी है। तो सबसे पहले एकल बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो विनय महोदय ने दिया था। इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि एक ही तरह की होती है, तो भाई इनको नकारा गया, क्यों, क्योंकि भाई बुद्धि तो एक तरह की नहीं होती है, बुद्धि तो बहुत तरह की होती है। फिर दूसरे महोदय आए, तो उन्होंने कहा बुद्धि दो तरह की होती है, फिर खुद
कह दिया कि नहीं तो बुद्धि तीन तरह की होती है। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक हो गया। फिर एक और महोदय आए। अब इन महोदय के बारे में आपको बताना है कमेंट करके कि कौन महोदय आए और बताया, क्योंकि हर एक चीज भाई हम ही आपको बता देंगे, तो आप हमको कुछ तो रिप्लाई करो, क्योंकि कमेंट करोगे तभी हमारा और आपका क्या होगा। हम अपनी बात तो आपसे कह लेते हैं, लेकिन आप अपनी बात तो कमेंट के माध्यम से तो कहेंगे। तो फिर जब किसने तो विनय महोदय ने दिया एकल बुद्धि का सिद्धांत। फिर सेकंड पर्सन आए, उन्होंने कहा नहीं बुद्धि दो तरह की होती है, और अपनी ही बात को उन्होंने फिर से रखा कि नहीं बुद्धि तीन तरह की होती है। ठीक है भाई, बुद्धि तीन तरह की हो गई। फिर नेक्स्ट महोदय आए। अब नेक्स्ट महोदय कौन है आपको बताना है ना। उन्होंने कहा बुद्धि क्या है, बहुत तरह की होती है, यानी किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। बात भी सही है भाई, क्योंकि कोई होता है मंद बुद्धि बालक होता है, कोई जड़ बुद्धि बालक होता है, कोई सामान्य बुद्धि बालक होता है, कोई प्रखर बुद्धि बालक होता है, कोई प्रतिभाशाली बालक होता है। तो बुद्धि एक तरह की कैसे हो गई। हालांकि क्या होता है, जब परीक्षण किया जाता है तो इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, चेंजेस होते भी हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछा, कोई कितना भी माइंडेड हो सारी दुनिया की चीज उसे नहीं आती है, कितना भी वो माइंडेड हो, ठीक है, तो आपने उससे वो क्वेश्चन कर लिया जो नहीं आता है। बाकी जो 100 क्वेश्चन आते हैं तो क्या वो मंद बुद्धि हो गया? नहीं, वो मंद बुद्धि की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसलिए ये भी चेंज किया जा सकता है और किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो विनय महोदय जी ने क्या कहा था कि एकल बुद्धि है। ठीक, फिर उसके बाद आपका हो जाता है सामान्य और प्रतिभाशाली। तो यहाँ पे सामान्य बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य बच्चे कौन होते हैं, तो सामान्य बच्चे देखिए जिनका IQ लेवल होता है 90+, यानी 90 से 110 तक होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 90 से 105 भी देखने को मिला था। भाई ईस्टर्न महोदय ने दिया, टर्मन महोदय ने दिया, तो अपने अपने तरह से सबने अपने विचार रखे, तो सबके विचार के अकॉर्डिंग जिसका जैसा, लेकिन क्वेश्चन में आपको जैसा मिलता है, जैसे भाई टर्मन महोदय के अनुसार कितनी बुद्धि लब्धि है, या ईस्टर्न महोदय के अनुसार कितनी बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चों की होती है, तो आप उस तरीके से वर्क कीजिएगा। हालांकि ऑप्शन में अगर 90 से 110 मिलता है, 90 से 105 मिलता है, तो यानी ये सामान्य बच्चे है। ठीक है, और अगर प्रतिभाशाली बच्चों की हम बात कर लेते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों की बात कर लेते हैं, तो इनका IQ लेवल कितना होता है, तो 140+ तक जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे बच्चे कैसे होते हैं जो क्लास में सबसे आगे रहते हैं, उनको थोड़ा सा हिंट करो, वो ज्यादा चीजें सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, है ना, फिर वो आगे चल के कुछ ना कुछ बनते जरूर है। तो इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इन चीजों पर डिस्कस कर लिया कि TLM क्या होता है, श्रवण विकृति, डाइट, निदान, बुद्धि लब्धि, सामान्य प्रतिभाशाली बच्चे। तो यहाँ पर ये चीजें सब डिस्कस हो गए और हमने आपसे लगभग 3 क्वेश्चन किए हैं। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इससे क्या होता है, तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। जब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप उसका आंसर हमें देंगे, तो आपके माइंड में वो चीजें छप जाती है कि हाँ मैम ने पूछा तो था और हमने वो आंसर भी दिया था, यानी ये एकदम परफेक्ट है। क्योंकि कंफ्यूजन बड़ी बनती है जब एग्जाम देने जाओ ना, तो वहाँ पे क्या लगता है, अरे ये चीजें तो हमने सारी पढ़ी थी, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें बड़ी कंफ्यूजन बन जाती है। ऐसे लगता है सारे आंसर सही हैं, सब तो सही हैं, बाकी सब तो सही नहीं होते हैं, सही तो एक ही होता है ना। तो ये चीज होती है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप इस पे वर्क करेंगे, कहते नहीं है कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, जो भी मिलता है हार्ड वर्क से मिलता है। हार्ड वर्क भी करें, स्मार्ट वर्क भी करें, दोनों वर्क करें, लेकिन शॉर्टकट कामयाबी का कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनि। अनुस्वार देखिए, अनुस्वार हमने आपको बताया था एक ट्रिक की एक ना इसमें है, यानी एक बिंदु, तो एक बिंदु आप इस तरह से लगाएंगे। और अनुनासिक यानी देखिए, अनुनासिक में दो ना है ना, तो इसलिए चांद बनाएंगे और एक बिंदु लगाएंगे, तो यानी ये अनुनासिक हो जाता है। अब इसको हम देख लेते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल, चंपत, अंतर आदि हो जाता है। अनुनासिक देखिए, अनुनासिक यहाँ पे है, तो अनुनासिक
के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है, जैसे चांद, बूंद, कुंवर, आंख आदि। अब ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि अनुनासिक के कुछ उदाहरण दीजिए, अनुस्वार के कुछ उदाहरण दीजिए, या ये बिंदु दे दिया इस तरह से कि ये किसका चिन्ह है, या इस तरह से दे दिया तो ये किसका चिन्ह है। तो आपको जब चीज़ें पता है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद हो जाता है क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग से लाभ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या देखना है, श्रव्य दृश्य साधन तो होते क्या हैं। तो आपका क्या हो जाता है, जैसे दृश्य मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है, श्रव्य जो आप सुन पा रहे हैं, है ना, श्रव्य दृश्य यानी क्या हो गया, और श्रव्य दृश्य साथ में जो आपको दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, वो क्या हो जाते हैं, तो श्रव्य दृश्य हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों से अग्र लाभ है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रयोग से स्पष्ट कीजिए, लाभों को स्पष्ट करना है। तो आपको समझ आ गया ना कि श्रव्य दृश्य सामग्री होती क्या है, जो श्रव्य मतलब सुन पा रहे हैं, दृश्य मतलब देख के शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। श्रव्य दृश्य सुनकर भी और देखकर भी, जैसे दृश्य में किताबें आ जाती हैं, श्रव्य में रेडियो आ जाता है, और श्रव्य दृश्य में आपका मोबाइल हो गया, टीवी हो गई, ये सभी चीज़ें हो गई। अब इसके लाभ क्या है भाई, लाभ तो बहुत सारे हैं, देख लेते हैं। पाठ का जो अंश व्याख्यान आदि के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता, उसे चित्र वगैरह के माध्यम से सरलता से समझा जा सकता है, यानी समझाया जा सकता है। देखने का प्रभाव सुनने की अपेक्षा अधिक पड़ता है, और मॉडल, चित्र आदि सभी दृश्य है, दृष्टांत, लघु तथा वगैरह स्वतः ही रोचक होते हैं। जो बात रुचिकर होती है उसके माध्यम से किसी भी बात को जल्दी ही सीखा जाता है। साहित्य शिक्षण में जब तक अर्थ कथाओं वगैरह को स्पष्ट ना किया जाए, तब तक ना तो पाठ ही रुचिकर बन पाता है और ना ही समझ में आता है। सहायक साधनों द्वारा पाठ को समझाने में अपेक्षाकृत समय कम लगता है। कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य लिखिए, तो ये उद्देश्य निम्नलिखित हो जाते हैं, उचित स्वर तथा प्रवाह के साथ कविता पठन की क्षमता पैदा करना, छात्रों में इतनी क्षमता पैदा करना कि जिससे कि काव्य के सौंदर्य को परख सके, तथा किसी भाव प्रधान कविता का रसास्वादन प्राप्त कर सकें, किसी कवि के भाव और शैली से छात्रों को परिचित कराना, छात्रों में कविता के भाव समझ सकने की क्षमता पैदा करना, तथा अपने शब्दों में कवि के भाव को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना। भाई योगेंद्र जी ने कविता शिक्षण के उद्देश्य के संबंध में लिखा है कि हमारे आसपास वातावरण में कितने ही रमणीय दृश्य हैं, लोगों को वे रम्य नहीं लगते। इसका प्रधान कारण यह है कि लोगों के पास रमणीयता का शोध करने वाली दृष्टि का अभाव है। इसी अभाव के कारण वे कितने ही आनंद को ग्रहण नहीं कर पाते। कविता के अध्यापन का भी यही ध्येय है, वह सौंदर्य शोधक दृष्टि विद्यार्थियों के उत्पन्न की जाए, जिससे वे संसार रूपी उद्यान में विहार करते समय अनेक प्रकार के स्थलों का आनंद ले सकें। छात्रों को काव्य शिक्षण के साथ ही रस, छंद और अलंकार से परिचित कराना, छात्रों की कविता की अनेकार्थिक शैलियों से परिचित कराना, ये हो जाता है। श्रवण कौशल का अर्थ और प्रकृतिक तथा महत्व लिखिए। श्रवण कौशल का अर्थ, श्रवण शब्द शु धातु से बना है, जिसका संबंध सुनने की क्रिया, ध्यानपूर्वक सुनना, अध्ययन करना, अधिगम करना, मौखिक संवाद आदि से है। श्रवण शब्द अंग्रेजी के लिसनिंग शब्द का पर्याय है। लिसनिंग को ए प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन अर्थात अर्थ निष्पादन की प्रक्रिया कहा जाता है। श्रवण में किसी कथन को सुनने के बाद उस पर चिंतन करना, चिंतन के बाद उस पर अपना मनत्व स्थित करने और तदनुसार आचरण या व्यवहार करना आदि प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हो जाते हैं। तो भाषाई कौशल में सुबोपाली है ना भाषाई कौशल, और इसमें आपका क्या हो जाता है, श्रवण कौशल एक महत्वपूर्ण कौशल है। शिशु के जन्म से ही इस कौशल को सीखने का क्रम आरंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। हम जागृत अवस्था का 42% सुनने में व्यतीत करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार बच्चा कक्षा के बाहर खेल कूद, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के कार्यक्रम सुनने के प्रतिदिन लगभग 4 घंटे का समय व्यतीत करता है। इतना ही नहीं, श्रवण का भाषण और पठन में सीधा संबंध है। श्रवण की प्रकृति, सुनना एक प्रकृति प्रदत्त शक्ति है। जिस व्यक्ति की श्रवण इंद्रियां ठीक नहीं होती हैं, वह व्यक्ति कभी कभार अर्थ का अनर्थ सुन लेता है, जिससे व्यक्ति के संबंध भी टूट जाते हैं। सामान्य श्रवण का अर्थ किसी ध्वनि, बातचीत, वाद्य संगीत आदि के सुनने में लिया जाता है, किंतु यह सुनने का बहुत सीमित अर्थ है। श्रवण का अर्थ ध्वनियों का सुनना मात्र नहीं, अपितु आचरण या व्यवहार करने जैसी
जटिल प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। श्रवण कौशल का महत्व, बालक प्रारंभिक काल से ही असार्थक और निरर्थक अनेक ध्वनियां सुनना प्रारंभ कर देता है। जन्म के समय बजने पहले कांसे या थाली ढोलक स्त्रियों के गाने आदि पहले दिन से ही बालक के कर्ण के यंत्रों को तरंगित करने लगता है। ये सार्थक ध्वनियां उसके कान में बारंबार ना पड़ने तो वह बधिर और मूक हो सकता है। बालक के अधिकांश भावी शिक्षक उसकी श्रवण शक्तियों पर ही अवलंबित होती हैं। शोधकर्ता के अनुसार मनुष्य अपनी दिनचर्या में भाषा व्यवहार के अंतर्गत निम्न प्रकार समय लगाता है। 25% पठन तथा लेखन, 30% बोलने और 45% हो जाता है समझ सुनने में। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद आपका हो जाता है विद्यालय में भी आपका विद्यालय में भी विद्यार्थियों का लगभग आधा समय सुनने में लगता है। श्रवण कौशल शारीरिक क्रिया के अपितु एक मानसिक क्रिया है। व्यक्ति अपने पूर्वानुभव के संदर्भ में शुद्ध सामग्री को समझता है, उस पर विचार करता है। ध्यान भटक जाने पर वह शुद्ध विषय का पूरा बोध नहीं कर पाता। वैदिककालीन और उस वैदिककालीन जितना भी साहित्य था वह सुनकर ही याद किया जाता है। इसी कारण वेद को श्रुति भी कहा जाता है। ऋषि आश्रमों के विभिन्न वैदिक शाखाएं अपने ज्ञान को वंश परंपरा में सुनकर ही स्मरण रखती हैं। आज भी बालक अधिकांश ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है। उसके बाद हो जाता है श्रवण शक्ति विकास के साधन बताएं तो सुनने की योग्यता विकसित करने हेतु विभिन्न साधन अपनाए जा सकते हैं। ये साधन छात्र स्तर अनुकूल अपनाए जाने वाले जाने चाहिए। साधनों के माध्यम से ही श्रवण शक्ति का विकास किया जा सकता है। कक्षा शिक्षण के दौरान पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा पाठांतर क्रियाओं द्वारा शिक्षण कक्षा के दौरान बाल गीत कविता के माध्यम से कहानी के माध्यम से विभिन्न मनोभावों जैसे हर्ष शोक आश्चर्य घृणा करुणा व्यंग आदि पर आधारित सामग्री कक्षा में सुनाकर अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन व सस्वर वाचन करके कक्षा में प्रश्न पूछने के अवसर देकर इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद है आपका पाठ्यक्रम सहगामी द्वारा कक्षा बाल सभा, कक्षा अभिनय, ध्वनियों के खेल, पाठांतर क्रियाओं द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता, कविता वाचन प्रतियोगिता, आशुभाषण प्रतियोगिता, समाचार वाचन, प्रार्थनाकालीन भाषण, आकाशवाणी से प्रसारित विभिन्न कार्यक्रम सुनकर, वृत्तचित्र, चलचित्र, दूरदर्शन आदि को देखकर, महत्वपूर्ण अवसरों पर भाषण सुनकर, मुख्य विचार नोट करने के अवसर देकर, वक्ता की बात को आलोचनात्मक ढंग से सुनने का अवसर देना चाहिए। छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है तो माध्यमिक और उच्चतर बालक स्तर पर लिखित अभिव्यक्ति के विकास के लिए निम्नलिखित रूपों का शिक्षण तथा अभ्यास आवश्यक है। पत्र लेखन, वर्णन, व्याख्या, संक्षेपीकरण, पल्लवन, संवाद लेखन, रिपोर्ट लिखना, पुस्तक समीक्षा, जीवनी, आत्मकथा, निबंध रचना, एकांकी लेखन, कहानी लेखन, कविता लेखन हो जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या हो जाते हैं, चित्र पठन। बच्चों को चित्रों का ज्ञान प्रदान करने उसमें संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए जिसका कुछ अर्थ निकल रहा है। नैतिक कहानियों के चार्ट आते हैं, बच्चे उन चार्टों में प्रकाशित कहानियों की अभिव्यक्ति के लिए कहा जाना चाहिए। कहानी पाठ, बच्चों को गृह कार्य के रूप में कहानी बनाकर लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में इन कहानियों का पाठन करना चाहिए। इस प्रकार की मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चे की भाषण कल्पना शक्ति, रुचि, कथन शैली, मस्तिष्क का विकास होता है। कविता पाठ, कविता पाठ द्वारा बच्चों के उच्चारण, अक्षर, अभिव्यक्ति तथा रुचि का ज्ञान होता है। अभिनय तथा अनुसरण तो बच्चों को अभिनय के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे बच्चों के उच्चारण में सुधार होता है, उनकी शारीरिक भाषा तथा अभिव्यक्ति में सुधार होता है। वाद विवाद द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। बच्चों की झिझक व संकोच समाप्त होते हैं। इससे वाक्पटुता तथा वाक चातुर्य में भी सुधार होता है। तो इस तरह से यहाँ पे सेशन आपका कंप्लीट होता है। देखिए आज मैंने एक बार भी अभी आपसे नहीं कहा है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, लेकिन आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है। आप लोग पहले ही लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब तो आपको एक ही बार करना रहता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।